डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट पर्सन है, व्हाट इज़ द गॉस लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये क्या होता है, ये बेसिक फंडामेंटल है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो इस वीडियो के अंदर इसको हम पूरी अच्छी तरह सीखेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं कि इसकी स्टेटमेंट से। ये कहता है कि इट स्टेट्स दैट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम ई नाम के अक्षर से लिखते हैं, फॉर ए क्लोज्ड सरफेस। जैसे एक ये सरफेस ले लिया, क्लोज्ड होना चाहिए, क्लोज सरफेस ही, इसको ज़रूरी नहीं कोई वेल डिफाइंड शेप हो, ये बंद होना चाहिए जी कैसे भी हो। इसको हम आर्बिट्रेरी भी बोल देते हैं। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है स्वैच्छिक। क्लोज्ड सरफेस इन वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर रखा है ये, फॉर एग्जांपल सोचो कि चंद्रमा पर रखा है, इज, देखो अब तक जो हमने अक्सर पढ़े हैं उनको देखो, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। डियर स्टूडेंट, जब भी सरफेस इंटीग्रल बोलें तो सरफेस को हम एस नाम के अक्षर से लिखते हैं, और साइंस के अंदर पहले छोटी चीज़ के लिए पढ़ी जाती है, तो डी एस लिखेंगे, और इंटीग्रल का मतलब इंटीग्रेशन का निशान। तो ये मानिए, देखो द सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड इन द सरफेस। समझ में आ गई, सारी चीज़ लिख रखी है। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर हमने Q1, Q2, Q3 डॉट 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 Qn तक इसके अंदर चार्ज बन रहे हैं। तो कोई पूछे भी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी होती, फ्लक्स का मतलब होगा बहाव। जैसे ऐसे समझोगे, हमने कोई एक रसगुल्ला ले लिया, उसके अंदर क्या चीज़ भरी हुई है, चाशनी है। उस रसगुल्ले को जब हम ऐसे यूँ दबाएंगे तो उसके अंदर बारीक बारीक जो होल्स हैं उन सब के अंदर से रस बाहर आएगा। इसी तरह रस को समझ लो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कि जैसे इसके अंदर, इसमें भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, इनके अंदर से लाइंस बाहर निकलती रहती हैं। तो कोई पूछे कि नेट लाइन कितनी बाहर निकलेंगी, उससे संबंधित ये ला होता है। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इसमें एन चार्जेज बंद है, तो इसको सबके जोड़ के बराबर होगा। तो क्यों नेट का मतलब है सबका जोड़। तो इस बात को मैं ऐसे लिख दूँ, देखो सिग्मा लगा के आई इज इक्वल टू 1 to n, आई की जगह 1 रखो तो क्या बनेगा, Q1, यहाँ पे 2 रखोगे तो क्या बन जाएगा, Q2, Q3 डॉट डॉट Q1। तो ऐसे हम शॉर्टकट तरीके से ऐसे भी लिख देते हैं। और ये जो सारी चीज़ें, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो मैंने नाम बताया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब बहाव होगा, वो इस फिजिकल क्वांटिटी के बराबर होता है E into ds। इसको हम फाई से भी लिख सकते हैं, तो ये होगा Q net / ε0। तो यहाँ पे मैं Q net भी लिख देता हूँ। ये तो थी इसकी स्टेटमेंट, शायद समझ में आ गई। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ बहुत ही आसान है कि कोई एक चार्ज ले लो, और चार्ज जब भी कोई चार्ज होगी तो उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो वास्तव में होते हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। तो उसको समझाने के लिए हम एक इमेजनरी सरफेस बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस एक खींचते हैं हम, जैसे ये था, तो इसके चारों तरफ हमने एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस खींच लिया। गॉसियन सरफेस होता है वो इमेजनरी होता है। जैसे मान लो मैं कहूँ कि यहाँ पे हमने कोई अगरबत्ती लगा रखी है, और इस अगरबत्ती की जो खुशबू है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, अभी कहाँ तक है। तो हम ऐसे ही इसके चारों तरफ 10 आदमी इकट्ठे कर दें, हाँ भाई सुन के बताओ आ रही खुशबू, वो गए हाँ भाई यहाँ तक आ रही है। तो हम एक ऐसी है ना, एक इमेजनरी एक ऐसी लाइन सी खींच दें भाई, यहाँ यहाँ तक अगरबत्ती खुशबू थी। तो ऐसे समझोगी एक कोई अगरबत्ती टाइप की है, इसके अंदर चारों तरफ से खुशबू निकल रही है, तो हमने एक एरिया खींच दिया कि भाई यहाँ यहाँ तक होगी, ठीक है। ये इमेजनरी चीज़ होती है, ये गॉसियन सरफेस इसलिए खींचा जाता है कि ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकें। तो वही चीज़ लिखी है, देखो लेट के ओ बी ए चार्ज, ड्रा गॉसियन सरफेस स्फेरिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होता है E = K/R², ठीक है। और कंसीडर स्मॉल एरिया ds, ये था पूरा एरिया s, गोला का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4πr², लेकिन साइंस के अंदर साइंस कहती है कि पहले छोटे के लिए पढ़ो, फिर उसका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो ये तो पूरा तो s है ये, तो इसका छोटा एरिया ले लिया हमने ds, ds एक एरिया है ये भी, इसको हम एरिया वेक्टर बोल लेंगे, अभी समझाऊंगा इसको। तो डियर स्टूडेंट देखो, ये थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो। तो देखो इधर भी मैग्नीट्यूड है, इधर भी मैग्नीट्यूड है, बात ओके है, लेकिन मैं अगर यहाँ पे तीर का निशान लगा दूँ तो इसके अंदर डायरेक्शन भी आ गई, लेकिन उधर तो डायरेक्शन आई नहीं। तो डायरेक्शन देने के लिए हमने यूनिट वेक्टर बना रखे हैं। यूनिट वेक्टर का मान तो एक होता है, लेकिन वो इसको डायरेक्शन दे देता है। अगर मैं इससे भी गुणा कर दूँ तो इसके अंदर भी मैग्नीट्यूड आ गई और डायरेक्शन आ गई है, तो दोनों इक्वेशन हमारी बराबर होगी, इधर भी MD, इधर भी MD, इसकी वजह से। उसके बाद देखो कंसीडर स्मॉल एरिया DS, तो DS को मैं ऐसे लिखूँ DS = DS,
तो तुम कहोगे सर बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर भी मैग्नीट्यूड है, इसमें मैग्नीट्यूड है, लेकिन मैंने जैसे ही यहाँ पे तीर का निशान लगा दिया इसको, इसमें डायरेक्शन भी आ गई, लेकिन उधर तो डायरेक्शन है नहीं। तो एरिया वेक्टर को हम एन से लिखते हैं, और ये एन कैप हो गया, इसका मान तो एक है लेकिन इसने फ्री में अपनी डायरेक्शन इसको दे दी, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी बन गई। यानी कि मैं डी एस को अब ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो डी एस के साथ मैंने ये दिखा दिया एन कैप, ये थी स्केलर क्वांटिटी, लेकिन इसको जैसे डायरेक्शन मिल गई तो क्या बन गई है, वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाता है, तो ये इसकी डायरेक्शन होगी ऐसे ही समझ लो। अब कोई पूछे आपसे भाई इनके बीच में एंगल कितना है, तो वो दोनों सर सेम डायरेक्शन में है तो एंगल 0 डिग्री होगा। और ए डॉट भी होती है हमारी जो वेक्टर प्रोडक्ट होती है, ए बी कोस थीटा। यहाँ पे आर कैप डॉट एन कैप इज इक्वल टू, इसका मान कितना होता है एक, इसका मान भी कितना है एक, इंटू कोस 0, और कोस 0 का मान भी कितना होता है एक। तो जब ये कहीं फैक्टर आएगा तो मैं एक लिख दूंगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। और डियर स्टूडेंट्स हमने पढ़ना है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि ई इंटू डी एस, और ये हमने सिद्ध करके दिखाना है कि ई इंटू डी एस था वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर था, क्योंकि हमारा जो ये जो सरफेस बंद है इसके अंदर तो खाली क्यू ही बंद है, तो हम खाली क्यू के हिसाब से पढ़ लेंगे, यानी कि उत्तर मेरा आना चाहिए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ, तो भाई डॉट प्रोडक्ट को खुलवाओ या इसका मान रखवा दो, ई का मान है ये वाला के क्यू बटे आर स्क्वेयर इंटू आर कैप इंटू डी एस का मान बता दो। तुम कहोगे सर डी एस का मान, देखो ये जो आर कैप है मैं थोड़ी स्पीच से लिख दूँ, फिर है अपना डी एस, डी एस का मान है ये वाला डी एस इंटू एन कैप, समझ में आ गई। ई का मान रखे हो इसका आर थोड़ी दूर लिख दिया, डी एस का मान रखे हो उतना रख दिया, और इसका हमने कहा ना इंटीग्रेशन। तो डियर स्टूडेंट्स ये तो आपको पता चल गया कि इसके बराबर है एक के बराबर, क्योंकि हमने वापस सिद्ध कर रखा है। तो आगे ई इंटू डी एस इज इक्वल जो कॉन्स्टेंट सारे बाहर काट लो, के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर, क्योंकि ये तो सारी चीज़ें कॉन्स्टेंट हैं, के का मान 9 × 10^9, चार्ज भी फिक्स है, ये भी सारी चीज़ फिक्स है। अब करेंगे इसका इंटीग्रेशन, तो ये कॉन्स्टेंट का तो होता नहीं, इसका होगा डी एस का, और डी एस का क्या होता है, डी एस का होता है एस, तो होगा हमारा के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर इंटू एस। और गोले का एस कितना होता है, गोले का एस होता है यानी कि स्फीयर, गोला मीन्स स्फीयर, 4π r² तो आगा अपना इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर इंटू 4π r². आप देखो आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कैंसिल हो गया, और क्या क्या चीज़ बच गई अपनी, के का मान बता दो, के का मान पढ़ लिया हमने 1 / 4π ε₀ होता है इंटू क्यू, और एक ये 4π बच रहा है, 4π काटो भाई, 4π से 4π कट गया, ये सारी चीज़ जो थी ये आ गई ई इंटू डी एस इंटीग्रल इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसी बात को हम फाई भी लिखते हैं इज इक्वल टू फाई। देखो यही चीज़ सीध होगी, ई इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू दिस, ये इसका प्रूफ हो गया। दो नंबर माओ तो इतना कर देना, उसके बाद कई बार ऐसा आता है कि इम्पोर्टेंट है कि कोई एक एरिया बंद है, इसके अंदर एक डाइपोल बंद है भाई, तो अब नेट फ्लेक्स कितनी होगी, फाई। तो डियर स्टूडेंट डाइपोल जो होता है उसके अंदर एक प्लस का चार्ज होता है और एक माइनस का चार्ज होता है, तो इज इक्वल टू 1 / ε₀ इंटू क्यू नेट निकालवाओ, क्यू नेट और 1 / ε₀ इंटू क्यू नॉट हो जाएगा हमारा क्यू माइनस क्यू, और ये कट गए, उत्तर कितना होगा 0। तो ऐसे इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई पूछे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डाइपोल की वजह से कितनी होती है, तो हम कर देंगे 0। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सैम्पल प्रॉब्लम है कि हाउ मैनी इलेक्ट्रिक लाइंस पास थ्रू 1 कूलम्ब चार्ज, इसको सोल्व कैसे करेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन होता है, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो होगा वी नो, बताओ भाई घोसला क्या होता है, वी नो घोसला फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलो या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, वो एक ही बात होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है नंबर, टोटल नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द चार्ज। ठीक है, टोटल नंबर लाइंस को ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस
इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसी को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। तो देखो भाई कैसे करोगे सवाल, हाउ मैनी यानी संख्या बतानी है इलेक्ट्रिक लाइंस को या फ्लक्स को, समझ गा। तो चार्ज कितने दे रखे, 1 कूलम, तो फाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मान याद कर लिया, 8.85 × 10^12। इसको सोल्व करेंगे, ये होगी 10^12 और 1/8.85। एक को भाग करो इससे 8.85 से, तो देखते भाई कितना आता है, तुम भी देख लो। 1/8.85। डियर स्टूडेंट्स ये 0.112 पूरा तक ले लो, 0.112 × 10^12। लेकिन ये तो हमारा सही उत्तर नहीं हुआ, तुम बोलोगे और इससे सही क्या होगा, और इससे सही ये होगा कि हमारा जो दशमलव है ना, ये दशमलव कहता है, मेरा घर ये नहीं है, मेरा जो सही घर है वो मेरा सही घर है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको यहाँ लिख के आओ, तो इस दशमलव को जब इधर सरकाओगे तो हो जाएगा 1.12 × 10^12 थी वो अब कितनी हो जाएगी, उधर लिख के जाएंगे तो कितनी हो जाएगी, ये हिसाब लगाओ इसका, 13 होगी या 11 होगी, शाबाश, कितनी हो जाएगी 13। तो ये होगी हमारी प्लस की एक और, तो ये हो जाएगी 1.12 × 10^13। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि हम उनकी संख्या बतानी थी खाली। और अब देखो पेपर के अंदर घुमाते लेंगे, किसी से पूछ लेंगे कि 2 कूलम में कितना होगा, हमने यहाँ पे 2 लिखना है, 2 को इससे भाग करना है, किसी अलग कोड में पूछ लेंगे 3 कूलम में कितनी होता, 3 यहाँ लिख देंगे, समझ में आ गई। तो ये मेथड इस तरीके से इसको हम कर लेंगे।